हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रीतीज कुक हाउस। आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे कच्चे आम का पन्ना। मैंने यहाँ पर दो अमियाँ ली हैं, कच्चा आम जिसको कहते हैं और कैरी भी बोलते हैं। ये गर्मियों में आता है फल और इसका हम अब पन्ना बनाएंगे। मैंने इन दोनों अमियों को छील लिया है और अब मैं इसका पल्प निकालूंगी। फायदेमंद होता है, लू लगने से भी हमें बचाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे मैंगो का पल्प निकाल लिया है। अब हम इसको बॉईल करेंगे। चलिए, मैंने यहाँ पे भगोना लिया है और मैं इस मैंगो के पल्प को अब इसमें डाल रही हूँ। वाटर डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैं शुगर डाल रही हूँ। शुगर मैंने लगभग यहाँ पे 5 स्पून्स लिए हैं। अब आधा इंच अदरक का टुकड़ा काट के डाल रही हूँ। काली मिर्च के डाल रही हूँ और 2 इलायची ले ली है मैंने, उसके दाने निकाल के इसमें डाल रही हूँ। कुछ पत्तियाँ 12 से 15 मैं यहाँ पे पुदीने की डाल रही हूँ और अब मैं इसे बॉयल करने के लिए रख रही हूँ। और इसको तब तक बॉयल करेंगे जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। इसमें 10 से 15 मिनट लग जाते हैं बॉयल होने में। आप मीडियम फ्लेम पे इसको गैस पर बॉयल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इंडक्शन यूज़ किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बॉयल होने को रख दी थी। ये बॉयल हो गई है, सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसको यहाँ पे उतार रही हूँ। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको मिक्सी जार में पीस लेंगे। मेरा ये जो पल्प है जो मैंने इसको बॉयल किया था, ये ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको मिक्सी जार में डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं भुना हुआ जीरा ले रही हूँ, 2 चम्मच लिए मैंने। हाफ अभी डाल रही हूँ, हाफ बाद में डालूंगी। चलिए अब इसको हम मिक्सी में चला लेंगे। ये देखिए, मैंने मिक्सी में इसको ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसके पल्प को छान लेंगे ताकि इसमें जो पल्प है वो मुंह में लगे नहीं पीते समय। अब इसमें मैं 1 ग्लास पानी डाल रही हूँ ताकि इसमें जो गूदे में थोड़ा सा भी उसका रस रह गया हो तो वो निकल आए। अब हम इस गूदे को साइड कर लेंगे और 1 ग्लास पानी और डाल लेंगे। अब इसमें मैं 1 स्पून काला नमक डाल रही हूँ। बचाया था उसका मैंने पाउडर बना लिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, रेडी हो गया है। चलिए हम इसको करते हैं सर्व ग्लासेस में। देखिए, 1 ग्लास, 2nd ग्लास, 3rd ग्लास,
चाहिए फोर्थ ग्लास, इससे लगभग फोर ग्लासेस मतलब बन जाएगा ये। अगर आप लोग इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करना चाहे और ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा ही, कम ज़्यादा खट्टा या जैसे भी हो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे चीनी आपको ज़्यादा डालनी है थोड़ी सी आप ज़्यादा डाल सकते हैं इसमें। मैं डाल रही हूँ इसमें स्ट्रॉ। चलिए देखिए अब ये हमारा जो कच्चे आम का पन्ना है वो अब पीने के लिए रेडी है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।